ऐतिहासिक ताल में स्थित ग्राम पंचायत सानवी के भवन के साथ लगती जगह को पक्का किए जाने को लेकर अब स्थानीय लोग मुखर हो गए हैं। पंचायत कार्यालय के साथ खाली स्थान पर हर साल विशाल दंगल का आयोजन होता है, लेकिन पंचायत के द्वारा इस जगह को पक्का करने की योजना बनाई जा रही है, जिसको लेकर स्थानीय लोग विरोध पर उतर आए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ताल के साथ लगती जगह पर कुछ भी नहीं बनाया जाना चाहिए। उनका कहना है कि इस खाली जगह पर पंचायत को भी काम नहीं करना चाहिए और जगह को खाली रखना चाहिए। पंचायत घर के साथ लगती जमीन पर निर्माण कार्य होने से ताल की सुंदरता को भी ग्रहण लगेगा, इसलिए लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि यहां पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए और जगह को खाली ही रखना चाहिए। ताल क्षेत्र के स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल ताल में दंगल होता है और अगर इस जगह पर कुछ बन जाता है तो लोगों के मनोरंजन के लिए स्थल खत्म हो जाएगा। लोगों ने मांग की है कि इस जगह पर कुछ भी ना बनाया जाए। बिल्डिंग बनने से तो सारा सिलसिला ही बिगड़ जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। बिल्डिंग तो जो है वो ही सफिशियंट है वहां पे ना जी, जितनी है उसको ठीक किया जाए तो अच्छी बात है, सुधार किया जाए। होना चाहिए जी, कुश्ती तो होना चाहिए, यहाँ तो 100 साल से होती है कुश्ती कश्ती वगैरह। सड़क होना चाहिए जी, पक्का रास्ता होना चाहिए पक्का, लेकिन बिल्डिंग नहीं बनना चाहिए। सर मेरा मुद्दा ये है कि ये पंचायत है अभी 2005 में बना होगा, जो पंचायत को डोनेट किया गया तो 15 साल पुरानी बिल्डिंग है, तो हमारे पास काफ़ी सफिशियंट जगह है पंचायत को चलाने के लिए। जबकि पंचायत प्रधान या पंचायत में पैसा आया है पिछला 8,84,000 रुपया, उसके यूटिलाइजेशन की बात है। विकास के लिए मेरा कोई विरोध नहीं, मैं तो चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, हमारी पंचायत तरक्की करे, हमारा इलाका विकसित हो, लेकिन पीछे की तरफ अगर देखा जाए तो हमारे पास एक तालाब है जो सालों पुराना है और कई साल मतलब लगभग 100 साल से यहाँ लखदाता पीर का दंगल होता है, उसके लिए रास्ता है। ये उनके रास्ता अगर आप देखेंगे दिखाएंगे जनता को या सरकार को, तो ये रास्ता पीछे से पंचायत इसको इनक्रोच करना चाह रही है। हम चाहते हैं कि रास्ता खुला रहे और ट्रैक्टर के आने जाने की जगह है, पानी की टैंकी की जगह है और झंडा जाता है उससे लखदाता पीर का और लोगों के मनोरंजन की आस्था और आस्था का प्रतीक है एक। तो आज लोगों को, आज कोविड महामारी चली हुई तो लोगों के लिए तो ऐसे ऐसे मनोरंजक जो स्थल हैं उनको मेरे हिसाब से उनको तो एक्यूपाई नहीं किया जाना चाहिए, उनको तो इससे तो लोग मेंटली भी और फिजिकली भी स्ट्रांग होते हैं। तो सरकार से मेरी गुहार है कि इस पैसे का यूटिलाइजेशन इस बिल्डिंग के ऊपर टीन शेड डाला जाए, अगर कोई दीवार कमज़ोर है तो उस दीवार की दोबारा मरम्मत की जाए, पीछे की तरफ कोई कंस्ट्रक्शन नहीं की जाए। पंचायत से या किसी भी से मेरा कोई विरोध नहीं है व्यक्तिगत, जनता के लिए सब कुछ है, हम जनता के प्रतिनिधि हैं और इस वार्ड का मैं नेतृत्व कर रहा हूँ इसकी, और इसकी बात मुझे करनी पड़ेगी, आगे भी आना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं सरकार से गुहार लगाता हूँ कि इसके बारे में सोचा जाए और हमारी सहायता की जाए। धन्यवाद। आपका, हम उनको यही कह रहे थे कि ये जो यहाँ पे पक्का नहीं होना चाहिए, बिल्डिंग नहीं यहाँ पे खड़ी होनी चाहिए, और वो उसके लिए कह रहे थे कि बिल्डिंग ये हम बनाएंगे आपके लिए, प्लीज छोड़ देंगे इसके आने के लिए रास्ता, तो इसी के बारे में बोला ही उन्होंने। हम ये चाहते हैं कि ये जो है ना खुला रहे रास्ता, यहाँ से ट्रैक्टर आते हैं इसको पीड़े के करवाते हैं। हाँ जी, पंचायत घर के पीछे जो कमरा बन रहा है ना, वो मेले का रास्ता है, चीजे का रास्ता है, मतलब ट्रैक्टर आता है तो बंद हो जाएगा, चीज कहाँ से होगी, फिर वो जो ठीक नहीं है। हाँ जी, हम चाहते हैं कि रास्ता बंद हो जाए, ये ठीक नहीं है, जो चीज है बड़ा पुराना है तो बिल्डिंग अभी बनी है, रास्ता बंद हो जाएगा, ये ठीक नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं कि दुकान रास्ता बंद हो जाएगी? नहीं, अभी तो बेनिफिट है ना, दुकान रास्ता अच्छी होगी उससे हमारा सामान बिकेगा, रास्ता बंद होगी चीज नहीं होगी, फिर उसमें घाटे बढ़ जाए दुकान, तो साइड में अच्छी होती है ना, वो दूरी है इसलिए जगह और नहीं कहीं बन सकता है, कपड़े बढ़ना है, रोकड़ी बन सकते हैं, साइड बन सकते हैं, बनी हुई है।